मिलानो चेंत्राले हम पहुंच चुके हैं, थोड़े से मिलानो चेंत्राले के व्यूज भी दिखाते हैं। स्टेशन के बाहर आइस स्केटिंग की जगह भी बनाई है, बिल्कुल ये बैक साइड पे स्टेशन। कोमो के बिल्कुल पास वाले स्टेशन पे हम उतरे हैं, बिल्कुल पास ही में है द्वोमो। थोड़ी सी फिर द्वोमो की हिस्ट्री भी बताते हैं, उसके बाद पास ही में गैलेरिया है, थोड़ी बहुत हिस्ट्री गैलेरिया की बताते हैं। इस बिल्डिंग को द्वोमो दी मिलानो कहते हैं। ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी चर्च है और इसकी कंस्ट्रक्शन तकरीबन 1300 में शुरू हुई थी और उसके कंप्लीट होने में तकरीबन 600 साल लगे थे। 1850s के आसपास कंस्ट्रक्शन इनकी कंप्लीट हुई थी। द्वोमो दी मिलानो को जिन आर्किटेक्ट्स ने डिज़ाइन किया था उनकी तादाद 76 थी और एट अ टाइम लगभग 2000 के करीब मजदूर इस पे काम कर रहे होते थे 600 साल तक। वो फ्रंट से सबसे क्लोजेस्ट व्यू और यहाँ पे अगर आप स्टैट्यूज देख ले लगभग 3500 के लगभग स्टैट्यूज लगे हुए हैं। कुछ बेंचेस रखे हुए हैं जिनका मेन पर्पज़ है कि यहाँ पे आप बैठ के ये वाली व्यू देख सकते हैं, एंजॉय भी कर सकते हैं। सामने जो बिल्डिंग है इसे गैलेरिया कहते हैं। मिलान में अगर कोई ब्रांड्स की जो शुरुआत हुई थी वो इस गैलेरिया की वजह से हुई थी। इटालियन ब्रांड्स दुनिया में सबसे मशहूर है, जैसे वेरसाचे, गुच्ची, दोलचे गबाना, प्राडा, फेमस ब्रांड इवन हर पाकिस्तानी को पता होता है, वो सारे जो है ना इटालियन ब्रांड्स ही है। फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ गैलेरिया की तरफ। बहुत ही फेमस ब्रांड्स भी अंदर है और रेस्टोरेंट्स भी अंदर है। ऊपर से जो स्ट्रक्चर है सारा मेटल स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर ग्लास लगे हुए हैं। हाँ, ऊपर के फ्लोर्स में होटल्स हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव होटल्स हैं, आप स्टे भी कर सकते हैं यहाँ पे। शैनल की परफ्यूम का तो सबको ही पता होगा, लेकिन सैंडल्स और पर्सेस के आउटलेट कुल मिला के 15 सैंडल्स ही पड़े हुए हैं, बाकी प्राइस का आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें। दे और आगे जॉर्जो आर्मानी, ये भी इटालियन ब्रांड, प्राडा। ज्वेलरी की शॉप, काफ़ी खूबसूरत सजावट, बेहतर है कि बंदा बाहर से ही देख ले, अंदर जाते ही दिल बैठ जाता है। कपड़े में जॉर्जो आर्मानी के प्राइसेस भी बता लेता हूँ। जो सामने शर्ट देख रहे हैं आप, 2900 यूरोस इसकी प्राइस है, लगभग 10 लाख रुपए बनते हैं। ये जो सामने आप पर्स देख रहे हैं इसकी प्राइस है 2200, लगभग 7 लाख रुपए। और ये जो सैंडल शरीफ आप देख रहे हैं इसकी प्राइस है तकरीबन 9900। प्राडा की ये जो आदि स्वेटर आप देख रहे हैं इसकी प्राइस 1250 यूरो। शहजादी ने जो पर्स रखा हुआ है इसकी प्राइस है 2900 यूरो, आलमोस्ट 9 लाख रुपीज़ के आसपास। एंड ऑफ द गैलेरिया मॉन्क्लेयर की आउटलेट है, जो कि मेरे सबसे फेवरेट ब्रांड है, यहाँ भी थोड़ा विजिट कराते हैं। यहाँ पे हम वेटिंग में खड़े हैं और इन्होंने हमें ड्रिंक्स भी ऑफर किए, सबको ऑफर कर रहा है। चेंजिंग रूम,
इस जैकेट की प्राइस 3,500 यूरो है, तकरीबन 10 लाख रुपए से ऊपर की बनती है। अल्हम्दुलिल्लाह सही सलामत खैर आफियत से बाहर निकला है। ये जो आप स्टैचूज दो मध्य मिलानों पे देख रहे हैं, तकरीबन अराउंड 3,000 स्टैचूज क्राफ्ट किए मार्बल से अराउंड दो मध्य मिलानों लगाए गए हैं। लेफ्ट साइड और राइट साइड पे पूरे ब्रांड्स की शॉप है, एंड ऑफ द स्ट्रीट तक जाएंगे वो भी पूरी दिखाएंगे, लेकिन सारे छोटी छोटी ब्रांड्स है, ज़ारा, मैंगो, H&M, बोस, गेस, नाइकी, एडिडास, छोटे छोटे ब्रांड्स हैं सारे। बड़े जो इलीट क्लास के ब्रांड्स हैं उसके बाद वहाँ भी जाएंगे, और कुछ इलीट ब्रांड्स तो मैंने पहले ही गलेरिया में दिखा दिए थे। एप्पल स्टोर का प्याज़ा, एप्पल स्टोर है नीचे बेसमेंट में स्टेयर्स के नीचे, यहाँ पे छोटा सा प्याज़ा बना हुआ है। गर्मियों में यहाँ पे लोग अक्सर बैठे होते हैं, यह जगह फुल भरी होती है, लेकिन चूँकि आज बारिश भी हो रही है और सर्दियाँ भी हैं, बाहर तो लोग नहीं बैठ सकते। और ये पीछे वाली बड़ी गिलास में यहाँ पे इसी तरह के फाउंटेन्स लगे होते हैं, लेकिन कोई रीज़न है आज लगी नहीं है, पता नहीं क्या रीज़न हो सकती है। यहाँ पे बैठने की भी जगह हैं, लोग यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं, किसी में किसी का चार्ज ख़त्म हो जाए तो यहाँ पे आके मोबाइल वगैरह भी चार्ज कर सकते हैं। पहले मैंने कहा कि एक और स्ट्रीट है यहाँ पे, काफ़ी एक्सपेंसिव ब्रांड्स हैं, डोल्चे गबाना इटालियन ब्रांड है, काफ़ी एक्सपेंसिव, बच्चों की पहुँच से दूर रखते हैं। ये जो सूटकेस आप देख रहे हैं इसकी प्राइस है 4,300 यूरो। और यहाँ पे जितने भी ब्रांड है इंतहाई एक्सपेंसिव, बहुत ही पहुँच से ऊपर बाहर होती है। और यहाँ पर जो होटल्स वगैरह हैं काफ़ी एक्सपेंसिव, आउट ऑफ रीच है सारे। ये इंतहाई खूबसूरत स्ट्रीट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कैमरे में उस तरह की फीलिंग्स नहीं आ रही जिस तरह एक नेकेड आई से हम देख रहे हैं। अगले व्लॉग में हम आपको ले चलेंगे इटली के मशहूर शहर वीनस में। पूरे दिन की वॉकिंग ट्रिप के बाद हमने रात को अफगानी रेस्टोरेंट में खाना खाया। खाने की वीडियो तो भूल गए थे, लेकिन गेवा आया है और ज़फरान वाला गेवा।